रणजीत सिंह चन्नी ने ली पंजाब के सीएम की शपथ, पंजाबी में ली शपथ। सुखजिंदर रंधावा ने ली मंत्री पद की शपथ, डिप्टी सीएम बनेंगे। हिंदी चेहरे के रूप में ओम प्रकाश सोनी को मिला है मौका, रंधावा के बाद ली शपथ, होंगे डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण में दिखे राहुल गांधी, कुछ देर से आने की वजह से लेट हुआ शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण में दिखे नवजोत सिंह सिद्धू, शपथ ग्रहण के बाद राहुल ने खिंचवाई तस्वीरें। शपथ ग्रहण में नहीं आए कैप्टन अमरिंदर सिंह, नाराजगी की खबर। सादगी से हुआ शपथ ग्रहण समारोह, गिने चुने लोगों की ही मौजूदगी। हरीश रावत का ट्वीट, पंजाब में सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे। सुनील जाखड़ को बयान पर एतराज, कहा इससे सीएम की अथॉरिटी कम होगी। चन्नी को सीएम बनाने पर सिद्धू का पर बीजेपी का तंज, सिद्धू के मोहरे के तौर पर दी कुर्सी, ये दलितों का अपमान। नवजोत सिंह के सलाहकार मुस्तफा बोले, सिद्धू के बहाने गांधी परिवार को निशाना बना रहे हैं कैप्टन। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सऊदी के विदेश मंत्री, दोपहर 11 बजे होगी मुलाकात। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आज से विपक्ष का हल्ला बोल, 30 सितंबर तक 19 पार्टियां करेंगे विरोध प्रदर्शन। आज राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल करेंगी सुष्मिता देव, कांग्रेस छोड़ टीएमसी में हुई थी शामिल। फौजी घोटाले में आज बंगाल के मंत्री मानस भुइया से पूछताछ, सीबीआई ने जारी किया है समन। महबूबा मुफ्ती के निशाने पर बीजेपी, तालिबान अफगानिस्तान के नाम पर वोट मांगने का आरोप। आज गोवा जाएंगे देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का लेंगे जायजा। तेजस्वी और मीसा भारती समेत 6 लोगों पर केस दर्ज, 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। जावेद अख्तर मानहानि मामले में आज कंगना की पेशी, हाजिर नहीं होने पर जारी किया जाएगा वारंट। बंगाल हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ दी थी अर्जी। सीतापुर में आज किसान महापंचायत, राकेश टिकैत समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना। योगी सरकार ने गिनाए 4.5 साल के काम, कहा बीमारू राज्य से निकाला।